आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज KVS के PGT लेवल की परीक्षा संपन्न हुई और उसमें जो एक सामान्य अंग्रेजी जो GS का पार्ट था, जिसमें सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और रीजनिंग ये थी, मैं उसका साल्व आपको दे रहा हूँ। और आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं आगे। और पहला जो हमारा पार्ट है वो सामान्य अंग्रेजी का है। सब में क्वेश्चन डिफर हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान दे के मिला लें कि देख लें कि कौन किस में क्या सही है। ठीक है, तो देखें इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, इसमें है चूज द राइट डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्जिनालिया। ठीक है, इसमें जो है आपका जो सही होगा वो ये पहला है आपका, ये देखें ये वाला आपका सही होगा, ये वाला, हाँ ये आपका होगा नोट्स रिटर्न। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वन मीनिंग विच बेस्ट एक्सप्रेस सिज़ता आइडम हैप्सन चॉइस। इसमें आपका सही होगा ये फोर्थ है, ए सिचुएशन इज विच यू हैव नो चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपका सही होगा ये सेकेंड है, नेक्स्ट सैटरडे एट द लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज, ये क्वेश्चन में आपका पहला सही होगा, इन्हें रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज मे हैव एन एरर, तो ये आपके सेकेंड में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द वर्ड फ्रेज इन द गिविंग द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, इसका बेस्ट जो मीनिंग है वो इसका ये सही होगा, सिस्टम ऑफ मीनिंग थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन द डायलेट, डायलेट का कंट्रैक्ट सही होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसमें सही होगा ये आपका सेंटेंस है शी वाज टू नर्वस टू स्पीक बिफोर सच ए लार्ज ऑडियंस एंड वाज प्रॉम्प्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट कैप्चर द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, इनकरेजबल का जो पूछ रहा है तो इसमें तीसरा सही होगा, हैविंग द बैड हैबिट दैट कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई डिडंट ब्रिंग माय वैलेट सिंस यू इनवाइटेड मी टू लंच, आई गेस्ट यू, इसमें सही होगा माइट हैव हैड वंस मनी ऑन यू। ये 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट आपका है हिंदी का, जनरल हिंदी का। तो इसमें मुहावरा के लिए पूछा है हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो, इसमें है बेपिंदी का लोटा हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो, इसमें आपका ये सही होगा। कबीर के संबंध में किस काव्यधारा के हैं, जो कबीर का संबंध है वो ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के कारण में रस्सी का सांप बन बैठा, भ्रम, भ्रम के कारण में रस्सी को सांप बैठा। अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है, देखिए गुरु एक नक्षत्र वह है, बृहस्पति ग्रह है, गुरु माने भारी भी होता है और गुरु एक शिक्षक को भी कहते हैं, ये पचाने में कठिन को गुरु नहीं कहते हैं, ये अनुपयुक्त है आपका। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम है उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार, ये आपका अस्त्र कहलाता है। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है गोंद,
ठीक है, बाकी सब स्नेह के शब्द हैं। टॉस युवा भारतीय टीम में जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, उद्देश्य किस विकल्प में सही प्रदर्शन करता है, ये आपका टॉस है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है शब्द। जब अर्थ का ग्रहण अविद्या से ना हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली सब शब्द को कहेंगे लक्षणा। इसमें देख लें, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसे हम कन्फ्यूजन दूर कर देंगे जैसे डिटेल और मिलेगा। अब नेक्स्ट है आपका सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं। तो निम्नलिखित में किस स्थान पर हाल में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया, ये कर्नाटक में है। पेरिस्टाइका का आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार, ये मिखाइल गोर्बाचोव के समय में हुआ था। ब्राउन एजेंडा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ब्राउन एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय समानता के महत्व देता है, ये सही नहीं है। देव जो है आपके हड़प्पा लिपि के विषय में क्या सही है, ये चित्रलेख लिपि है। संविधान सभा के उद्देश्यों का उल्लेख करने वाले उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश किया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बस्ती पैटर्न समतल उपजाऊ कृषि क्षेत्र में विकसित हो सकता है, एक बार इसे देख लें, आयताकार है। किन आबादियों की अन्योन्य क्रियाओं में दो ही प्रजातियों का लाभ होता है, ये म्यूचुअलिज्म सही है इसमें। 2018 के एशियाई खेलों में बैडमिंटन का रजत पदक निम्न से किसने जीता, ये पीवी सिंधु ने। धारणीय सस्टेनेबल विकास लक्ष्य को सबसे लक्ष्य कब से प्रभाव में आए, तो ये जनवरी 16 से आया। निम्नलिखित में से किसने हाल में प्रतिष्ठित सम्मान बैन बुकर प्राइज की 50वीं जयंती को प्रथम विशेष गोल्डन मैन बुकर प्राइज था, ये मिशेल ऑन जी है। ठीक है, ये तो आपके जीएस के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका कंप्यूटर का है और रीजनिंग उसको मैं डाल रहा हूँ, उसको आप लोग देखें। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।